नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों, बिना आधार सेंटर गए हुए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आधार कार्ड में अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या फिर फादर्स नेम चेंज करना चाहते हैं या फिर हस्बैंड नेम चेंज करना चाहते हैं तो अब आप बहुत ही सिंपल तरीका से चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप आधार कार्ड में नेम अपडेट करना चाहते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं, जेंडर अपडेट करना चाहते हैं, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है SSUP, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार की इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि हम ऑनलाइन OTP के मदद से आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है चेक आधार वैलिडिटी के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाता है। मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख जाता है, यही मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे नूल देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप घर बैठे आधार कार्ड में अपडेट नहीं कर सकते हैं। और अगर लिंक होगा तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका से अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिख जाता है लॉगिन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, उस OTP को इस बॉक्स में टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है लॉगिन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और आधार कार्ड का जितना भी सर्विस है इस प्रकार से सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एड्रेस अपडेट के ऑप्शन, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन के मतलब यही है कि अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं और एड्रेस प्रूफ में आपके पास डॉक्यूमेंट है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप जो है कि चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे ऑप्शन का कहने का मतलब यही है कि अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं और चेंज करने के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ में किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप हेड ऑफ फैमिली के डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले जो है कि हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार की पेज ओपन हो जाता है, इसमें बताया गया किस प्रकार से वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड में नेम चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, जेंडर को चेंज करना चाहते हैं तो अब आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं उसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। एड्रेस चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिख जाता है एड्रेस, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होगा इस प्रकार से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, आधार कार्ड में जो भी करेंट डिटेल्स होगा यानी एड्रेस जो भी होगा इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाता है। इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं फादर्स नेम या हस्बैंड नेम को चेंज करना चाहते हैं या पूरा एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है।
अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना है केयर ऑफ में, जिसका आप नाम रखना चाहते हैं केयर ऑफ में। जैसे अगर आप आधार कार्ड में फादर्स नेम रखना चाहते हैं तो इस बॉक्स में फादर्स नेम को टाइप करना है, या फिर हस्बैंड नेम रखना चाहते हैं तो इस बॉक्स में हस्बैंड नेम को टाइप करना है, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, और इस बॉक्स पर जैसे आप टच करते हैं तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है, ये सब आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सबसे पहले अपने एरिया का पिन कोड नंबर को टाइप करना है, स्टेट के नेम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट के नेम शो हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नेम, विलेज, टाउन, सिटी नेम, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है। एड्रेस प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो किसके थ्रू अपलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों पहले डिजी लॉकर के ऑप्शन था, अब डिजी लॉकर के ऑप्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। अब यहां पे सिलेक्ट करना है कि एड्रेस प्रूफ में आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास प्रूफ में डॉक्यूमेंट होगा यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपको 2 MB से कम रखना है, PDF में आपको अपलोड करना है। और जैसे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन 100% यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख जाता है 2 बॉक्स, इस दोनों बॉक्स पे टिक और टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है मात्र 50 रुपये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए इस बॉक्स पे टिक आउट करना है, किसके थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे दिख जाता है मेक पेमेंट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको 50 रुपये का पेमेंट कर देना है। और जैसे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाता है, इसे आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे आपको जो है कि रिक्वेस्ट जो आपने किए हैं यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपल से आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी स्टेटस होगा आपके सामने इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आधार कार्ड में एड्रेस और फादर्स नेम, हस्बैंड नेम को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप आधार कार्ड में नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए अब आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। वहीं पर जाकर दोस्तों आप आधार कार्ड में जो है कि ये सारा चीज़ को आप अपडेट कर सकते हैं।